أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई माइग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई माइग्रेशन कंसल्टेंट्स एंड मेरे फेसबुक पेज स्काई माइग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। एक अच्छी न्यूज़ है, एक नहीं बहुत अच्छी न्यूज़ है, आप सामने आया हूँ। मंडे का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक टॉपिक है यूके चैरिटी वीज़े की अप्रूवल से मुतालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि जब किसी का काम होता है तो खुशी होती है, लेकिन जब किसी का काम नहीं होता तो अफसोस भी होता है। लेकिन आज खुशी है मुझे काफ़ी ज़्यादा कि जो हमने यूके के चैरिटी वर्क परमिट्स के लिए हमने काम स्टार्ट किया था, उसमें से हमारी पहली अचीवमेंट हमें हासिल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्या डिटेल्स हैं उसकी, किस तरह हमने अप्लाई किया, किस तरह हासिल हुआ, और जो लोग अप्लाई करना चाह रहे उसके लिए उसके बाद वीज़ा रेशो कैसी रहेगी, उनके जवाब आने टाइम कितना लगेगा, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। लेकिन उससे पहले कुछ मज़ीद भी गुड न्यूज़ हैं कि इस वक्त अपनी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2 साउथ कोरिया के वीज़ा अप्रूव्ड हुए कल इस्लामाबाद से, जिन्होंने मैं फेसबुक पेज पर रिव्यू भी किया। इहतिशाम साहब का, उनके फ्रेंड का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और साथ ही जो हमारे कुछ 3 केस थे जो पैप पे थे 4 to 5 मंथ्स पहले उनका हुआ था, रिकंसिडरेशन पे गए थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेड ईमेल से वो भी कल अप्रूव्ड हो गए, 28 जुलाई को हुए। तब स्क्रीन में देख रहे होंगे आप उनकी ईमेल की आ गई है कि अपने पासपोर्ट सबमिशन की। ये 2 केस, एक थे एक केस अलग था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सबको मुबारक हो कि उन्होंने हमारी सर्विसेज पे इत्मीनान का इजहार किया और सारा कुछ किया। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ यूके चैरिटी वर्क परमिट की। जो लोग यूके का चैरिटी वर्क परमिट अपनी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए ये है कि जैसे कि हमने आपको पहले कहा था कि हम लोग कोई डन बेस पे काम नहीं कर रहे, ना ही तो हम आपसे कोई लाखों रुपए मांग रहे हैं कि हम आपके इसके करेंगे। हम आपसे एक मामूली सी रकम लेते हैं जिसके बिहाफ पे हम लोग आपके लिए CV, कवर लेटर और जो आपके लिए ईमेल्स ID बना के उनके लिए फॉरवर्ड कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। एक जगह अप्लाई नहीं करते, जितनी जगह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम का मेम्बर एक प्रॉपर तरीके से वही काम कर रहा होता है कि जो ईमेल्स आपकी हैं फॉरवर्ड कर रहा होता है, ताकि एज सन एज पॉसिबल लोगों के जवाब आना शुरू हो जाएं। आपको पता है कि चैरिटी वर्क परमिट की नए तो आइल्स रिक्वायर्ड है, नए तो एजुकेशन रिक्वायर्ड है, नए तो आपके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही हुआ हमसे काफ़ी क्लाइंट्स ने रब्ता किया। एक फीमेल क्लाइंट थी, उन्होंने भी रब्ता किया जिसके हमने उनके लिए अप्लाई किया, जिनका हमें वहाँ से जवाब आया एक बंदे का, फीमेल के उनका, कि आपको पता है कि हम लोग इस चीज़ के पैसे नहीं दे रहे। तो एज़ अ फीमेल मैंने उनके बिहाफ पर अप्लाई किया, जी मुझे पता है कि आप लोग अप्लाई पैसे नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं आपसे मज़ीद प्रोसीजर डिस्कस करूं। मैंने कहा बिल्कुल आप करें, मैं इस पर इंटरेस्टेड हूं, मैं करना चाह रही हूं, सारा कुछ उनसे बात की। तो उन्होंने एक शॉर्ट सा मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया ईमेल के थ्रू कि मेरी टाइपिंग कैसी है, अंग्रेज़ी कैसी है, सारा कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि ठीक है आप थोड़ा टाइम दें, मैं आपसे रब्ता करती हूँ या करता हूँ XYZ। तो उन्होंने वहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया। अब इस बारे में मुझे ये नहीं पता फर्दर कि वो उसको फर्दर को क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो लोग कह रहे थे जी कि इसका रिप्लाई नहीं आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उनके लिए ये है कि जवाब आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि चैरिटी को इस प्रोग्राम को आया हुआ ऑलमोस्ट आई थिंक प्रोबेबली यू कैन से डैट इसको कोई महीना हो गया होगा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें आपको करना क्या है, जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं चैरिटी के लिए, ऑफ़र लेटर मंगाना चाह रहे हैं, स्पॉन्सर लेटर, उनको जरूरी है उनके पास प्रोफेशनल CV हो, एक प्रोफेशनल कवर लेटर हो। जितने अच्छे वो होंगे आपका उतना चांसेस होंगे वीज़ा स्पॉन्सर लेटर आने के। अगर आपका स्पॉन्सर लेटर आ जाता है तो आपके 99% चांस होते हैं वीज़ा लगने के, फिर आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस ना होने के बराबर रहते हैं। फिर आपको अपना TB टेस्ट, बैंक स्टेटमेंट, इंश्योरेंस, एक्सपायरी जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन थे आपको फिर स्टार्ट करनी पड़ती है। पहले आपको कोई डॉक्यूमेंट स्टार्ट नहीं करने, आपने जस्ट अपने उनको ईमेल्स करनी है, अप्लाई करना है जॉब्स के लिए। 2000+ अपॉर्चुनिटी कंपनीज हैं जो आपको ऑफर्स कर रही हैं अपने उनके शहर में आके काम करने के लिए। एक बार फिर आपको कन्फर्म कर दूँ कि वीज़ा नॉन एक्सटेंडेबल होता है, काफ़ी लोग कहते हैं एक्सटेंडेबल होता है, कोई नेक्स्ट एक्सटेंडेबल नहीं है। 12 महीने 12 दिन का वीज़ा होगा, अगर कंपनी चाहेगी तो आपको एक्सटेंड करवा के देगी जिस कंपनी में आप काम करेंगे, और इसके बिहाफ पे आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत अपना काम करके अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी आपको बुलाएगी वो आपको रिहाइश और खाना पीना और मामूली से रकम प्रोवाइड करेगी जिससे आपका गुजर बसर हो सके, और साथ ही आप इसे अपने डिपेंडेंट को भी लेके जा सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, आपको समझाना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था यूके चैरिटी वर्क परमिट रिलेटेड। मैं बात फिर यहाँ पर ऐड कर दूँ कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ और ना ही तो मेरे पास कोई वीज़े हैं,
ना ही तो मैं आपको कोई डन बेस पे वीज़ा प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर हमारी सर्विस लेंगे तो इस बात का अंदाज़ा जहन में रखिएगा कि अगर आपका जवाब नहीं आता या ऐसा कुछ होता है तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारी सर्विस चार्जेस हैं। ये बातें मैं इसलिए करूँ ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन पहुँच सके, आप हमसे रब्ता करें ताकि टाइम आपका भी सेव हो और टाइम मेरा भी सेव हो। तो बहुत शुक्रिया। ये सही इंफॉर्मेशन इसके तो आपके स्क्रीन में हमारा विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा जिस पर सारे टेलीफोन नंबर्स मेंशन है, हेल्पलाइन नंबर्स मेंशन है, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।